भाजपा के आंदोलन में किराए के मजदूर बुलाकर भीड़ जुटाई गई। ये आरोप कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने लगाते हुए कहा कि भाजपा का आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, अब किसान इनके बहकावे में नहीं आएंगे। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि भाजपा ने 200 रुपयों में मजदूरों को बुलाकर रैली में प्रदर्शन करवाया। यादव बोले, सबसे बड़ी सदस्यता वाली भारतीय जनता पार्टी का झूठ बेनकाब हो चुका है। कितने लोग आए हो? 10-12 जन। मगर आपको कहाँ रहते हो? मरी माता चौराहे। तो आपने मरी माता, आप तो 3 नंबर का बोल। हाँ तो यार आते ना उनके पास। अच्छा, तो होना क्या करते हो? क्या करते हो? मजदूरी के साथ? हाँ मजदूरी, मजदूरी करते हो? आज से कितने मिलेंगे? 300-200। अगर 2 लाख आज कितने मिलेंगे? 200 रुपये आज के। क्या मिलता है चौराहे पे? चौराहे से 200 रुपये रोज में काम करते हैं हम। और यहाँ पे तो ऐसे ही है बस, हमने मान सम्मान जो जाए। कब से आए हो? 12 बजे से आए। कितने लोग आए? सबके साथ में। हाँ बहुत सारे हैं, आए गिनती नहीं है। हम किस तरीके से 50-60 मजदूर आए सब। मगर यहाँ तो कोई बात ही नहीं। पलसीकर मजदूर चौक, एक कोई एक बात बोलता है, दूसरा संजय बोलता है, इनके ही नेता बोलते हैं। वहीं जब कुछ मजदूरों से चर्चा की गई तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि वे यहां मजदूरी पर भाजपा के झंडे उठाने आए हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। अपने आंदोलन के लिए उन्हें किराए के मजदूर लाना पड़ रहे हैं। 200 रुपए में चौक से बेलदार लाके झंडे उठाए जा रहे हैं। जिस आंदोलन में दावा करते थे कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे, जो बीजेपी दावा करती है कि उनके करोड़ों सदस्य हैं, वह 500-700 लोग भी इस आंदोलन में एकत्रित नहीं हुए। इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी की आज क्या दुर्दशा हो गई है। किराए के लोग लाके आंदोलन करना पड़ रहे हैं और उनके एक विधायक ये बोल रहे हैं, हमारे मंत्रियों को चेतावनी दे रहे हैं। वो ये अच्छी तरह समझ लें कि कांग्रेस वो है जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था आजादी के आंदोलन में। तो किसी भी तरह की ऐसी बात जो सभ्यता से परे ना करें, वरना इसके सख्त परिणाम भुगतने होंगे बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि भाजपा का जन विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया। कांग्रेस सरकार के खिलाफ फर्जी आंदोलन को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। आंदोलन स्थल पर किराए के मजदूरों को लाकर भीड़ जुटाना पड़ी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के बड़बोले नेता सत्ता जाने के बाद पूरी तरह से फुर्सत में हो गए हैं।